और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के विभाग कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को बांट चुके हैं। वित्त विभाग कैलाश गहलोत को सौंपा गया है। कैलाश गहलोत ही इस बार दिल्ली का बजट पेश करेंगे, जबकि केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को राजकुमार आनंद आगे बढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षा विभाग सौंपा गया है। तो इस बीच जब तमाम कानूनी कार्रवाई चल रही है, विभाग भी बांटे जा रहे हैं। जो विभाग सिसोदिया के अंतर्गत आते थे उन्हें अब दो लोगों के बीच में बांट दिया गया है। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में है सिसोदिया, और जो शराब घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं उनके खिलाफ अब याचिका हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग सौंपा गया है और यही दिल्ली का अगला बजट पेश करेंगे। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, खबर तो ये भी आ रही है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना को भी कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जा सकते हैं। देखिए, उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। एलजी के पास प्रस्ताव भेजा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का, और इसके बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं शपथ की प्रक्रिया जो है उसे पूरा किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, और इस बीच कामकाज ना रुके इसलिए केजरीवाल सरकार रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती। और मनीष सिसोदिया के पास जो तमाम विभाग थे, यानी कि 18 विभाग थे, उनमें से 8 विभाग कैलाश गहलोत को सौंप दिए गए हैं। इसमें वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग काफी अहम है, तो वहीं जो 10 विभाग है उसकी जिम्मेदारी राजकुमार आनंद को दी गई है, जिसमें शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अहम है। तो देखना यह भी होगा कि इनके पास ये तमाम विभाग कब तक रहते हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज और जो आतिशी है उनका मंत्रिमंडल में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। और इस बीच क्योंकि टकराव आपने देखा होगा एलजी केंद्र सरकार के बीच में केजरीवाल सरकार का चलता रहता है, तो ऐसे में सिर्फ 4 मंत्री दिल्ली में सरकार संभाले, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार फास्ट ट्रैक पे नजर आ रही है, और एक तरफ इस्तीफे का प्रस्ताव भेजा गया एलजी को, तो वहीं दूसरी तरफ नए मंत्रियों का प्रस्ताव भी भेज दिया गया। ठीक है, कई विभाग सुपुर्द कर दिए गए हैं, कई विभागों पर अभी बंधन किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह बीजेपी और आप आमने सामने है, सुनिए। हमारे तो उप मुख्यमंत्री जेल में है, कोई क्रिमिनल, कोई जेब कतरा, कोई स्मगलर, वो कोई नहीं जेल में। 18 विभाग रखने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम तो हर जगह अर्जी लगाएंगे, हम तो सबसे ऊपर भगवान के यहाँ भी अर्जी लगाएंगे। हम जन जागरण अभियान इसलिए कर रहे हैं कि शराब घोटाले के सूत्रधार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। दिल्ली के हर दरवाजे को हम खटखटाएंगे, शराब की काली कमाई में कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है ये दिल्ली की जनता को बताएं।